देखिए, अजमेर में पहला केस जो आया था मोहम्मद फैज़ल का, वो 27 तारीख को पॉजिटिव हुआ था, और उसके बाद एक एक करके उसके परिवार के सभी सदस्य पॉजिटिव हो गए थे, तो कुल 5 लोग पॉजिटिव थे। और उसके बाद 15 तारीख तक लगातार कोई हमें पॉजिटिव नहीं मिला था। दिल्ली वर्ल्ड पब्लिक स्कूल, इंडियाज नंबर 1 इमर्जिंग स्कूल, जहां है एकेडमिक्स, स्पोर्ट्स एंड परफॉर्मिंग आर्ट्स का बेहतरीन कॉम्बिनेशन। एडमिशंस ओपन फ्रॉम प्री नर्सरी टू 9th। रेल म्यूजियम में पहला पॉजिटिव व्यक्ति नावेद हमें 15 तारीख को मिला था, और 16 तारीख को अराई में जो पोरवाल फैमिली है, जो उज्जैन गए थे, जो मानसिक रूप से विक्षिप्त महिला थी और उनके पति, वो दोनों जिनकी बेटी यहाँ अराई में ब्याही हुई है, तो उनके माता पिता दोनों आए थे। उसमें से उनके जो पिता हैं श्री अशोक पोरवाल, वो पॉजिटिव हो गए थे 16 को, तो 7 पेशेंट पॉजिटिव हुए थे आज सुबह में। और कल रात में जो रिपोर्ट आई है उसके अनुसार 10 लोग और, जो रेल म्यूज़ियम में खानाबदोश जो भिक्षा मांगने का काम करते हैं, जो भीख मांगते हैं पूरे अजमेर शहर में दरगाह के आसपास, और उनको हम लोगों ने पहले से ही क्वारंटाइन में आइसोलेट करके रखा हुआ था, तो उसमें से 10 लोग पॉजिटिव हो गए, तो कुल संख्या अभी 17 हो गई है। हम लोगों ने सघन टेस्टिंग का अभियान शुरू किया हुआ है, अराई में कर्फ्यू लगा दिया गया है, और जो ये रेलवे म्यूज़ियम है उसके आसपास बैरिकेडिंग करके, और ये व्यवस्था की गई है कि वहाँ पे, क्योंकि वहाँ कॉन्टैक्ट्स तो हुए नहीं थे, वो ऑलरेडी आइसोलेटेड थे, तो इसलिए वहाँ पे सघन बैरिकेडिंग करके लोगों को, क्योंकि हमारा लॉकडाउन ऑलरेडी चल रहा है, तो ये कोशिश की जा रही है कि वहाँ पे ज़्यादा भीड़ कोई भी नहीं आए, और उनको हम टेस्ट करके वहाँ से क्वारंटाइन सेंटर्स में ले जाएंगे। या लॉकडाउन 2.0 का ये मतलब नहीं है कि सारे रिस्ट्रिक्शंस ख़त्म हो जाएंगे। धारा 144 उसी तरह से कायम है जो पहले थी। कृपा करके घर से नहीं निकलें, जितना हो सके उतना घर में रहें, बाहर नहीं निकलें, और सोशल डिस्टेंसिंग ही इसका बचाव है। किसी भी कारण से अगर आपको बाहर निकलना पड़ता है तो मास्क जरूर लें, मास्क लगा करके निकलें, और सोशल डिस्टेंसिंग के साथ साथ जो नियमों को आप अभी फॉलो कर रहे हैं उसको आप बाद में भी फॉलो करते रहें। और जैसा कि एसपी साहब ने कहा, किसी तरह की कोई भी डरने की भय का वातावरण नहीं है। हम लोगों ने शुरू में जो स्टेप्स लिए थे उसके चलते बहुत अच्छा उसका रिस्पॉन्स था, लंबे समय तक हमारे पास इन्फेक्टेड लोग नहीं मिल रहे थे, और जो पकड़े भी गए हैं, जो मिले भी हैं, वो एक आइसोलेटेड लोकेशन में थे जिनका किसी के साथ मिक्सिंग नहीं हुआ। ठीक है, तो मोर देन 1000 सैंपल्स हमारे हो जाएंगे, तो हम अलग अलग एरिया से, हर ब्लॉक से सैंपल्स लिए, ये नहीं कि हमने किसी एरिया से दिए, तो काफ़ी हद तक हमारी सिचुएशन अंडर कंट्रोल है। और ये जो कोकेट में से निकला है, ये ऑल ऑफ अनफॉर्चुनेटली ये कोई, और अराई वाला केस भी आपको फिर क्लियर कर दूँ, एसिम्प्टोमेटिक था, हमें सिर्फ रैंडम सैंपलिंग के लिए उसको लिया था, क्योंकि उसकी हिस्ट्री उज्जैन की थी और हमें लग रहा था कि ये वो वहाँ पे है, तो वो भी पॉजिटिव निकला, उसके साथ जो नेगेटिव। तो मकसद हमारा यही कि विजिलेंट रहेंगे लॉकडाउन की, जैसे सर ने बोला कलेक्टर साहब ने, उसकी पालना और सोशल डिस्टेंसिंग, तो हम काफ़ी हद तक सुरक्षित रह सकते हैं। वहाँ से इसी सर्किट में वहाँ से मॉनिटरिंग करके वो भेज रहे हैं, भी कल आज रामगंज से शुरू करेंगे। सर, जो सर्वे कार्य किया जा रहा है उसमें जो चिन्हित हैं लोग, क्या उनका भी टेस्ट करवाएंगे? मैं आपसे बोल रहा हूँ ना, 1000 जो हमने सैंपलिंग करी है वो रूटीन उस आईएलआई और उनमें से तो करिए रैंडम, जिनके आईएलआई के सिम्टम्स हैं, पहले तो हमारी टीम जाती है नर्सिंग स्टूडेंट्स की, स्टाफ्स की, एलएचयूएस की, और इसकी उनके ऊपर डॉक्टर्स होते हैं, उसके बाद में जो आईएलआई की जो रिपोर्ट्स आ रही हैं उसके लिए हमने डॉक्टर्स को अलग से डेडिकेट किया हुआ है। वो शाम को 3 बजे बाद आईएलआई की लिस्ट लेके जाते हैं घर घर, लगता है सिंपल यूआरआई तो ट्रीटमेंट दे देते हैं, लगता है कि नहीं सैंपल की जरूरत है तो सैंपल ले रहे हैं, उसी कड़ी में 1000 सैंपल, हमारा कॉन्टैक्ट नहीं है उसके 1000।